वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 6 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, अ कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स होने चाहिए और बाकी हमारे पास 7 लोग की कमेटी फॉर्म करनी है। इसमें बोला गया कि 3 गर्ल्स होंगी पहला क्वेश्चन, यानी 4 बॉयज़ होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया टोटल कितने नंबर ऑफ कमेटी, टोटल कितने नंबर ऑफ वेज से ऐसी कमेटी फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। इसमें 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कितनी, इसमें 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, देखा जाए तो सिंस पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि टोटल हमारे पास जो लड़कियां हैं वो 4 हैं और 4 में से हमें 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स, सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4, ये क्या हो जाएगा, तो 4C3, ठीक है, 4C3। एंड नंबर ऑफ वेज, देखो 7 लोगों की कमेटी फॉर्म करनी है तो 3 तो लड़कियां लेनी, यानी बचे 4 क्या लेने हैं, लड़के लेने हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज फ्रॉम 9 क्या होगा, तो 9C4 आ गया, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, कमेटी फॉर्म करने का में हम 4 बच्चे ले रहे हैं और 3 लड़कियां ले रहे हैं, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, ठीक है। कितने तरीके से आप कमेटी बना सकते हो, तो क्या हो जाएगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 4C3 × 9C4, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग आगे पीछे मत सोचना कि पहले लड़का होगा पहले लड़की होगी, यहाँ हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिलेक्शन है। तो यहाँ पे हम दोनों को, ये हमारा लड़की सेलेक्ट करने का चांस है, ये हमारे लड़के को सेलेक्ट करने का चांसेस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 4 × 3 × 9 × 4 × 4, यानी हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा, अगर देखा जाए तो उनका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितना आएगा, तो 4 × 1 × 3 × 9 × 4 × 4। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 × 3 × 1 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 1। देखो आपका ये 5 × 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 × 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 4 × 3 के टेबल में 3 टाइम्स में गया, 4 टेबल में 2 टाइम्स में गया, और 2 से ये 2 गया, तो हमारे पास क्या बचा, 4 × 3 × 7 × 6। तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 72, 72 × 7 हमें मिलता है, 72 × 7 करना है, तो आपका टोटल आंसर आएगा 504। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का सॉल्यूशन, आपका आंसर क्या आ गया, तो 504 ये हमारा फाइनल आंसर है 3 के पार्ट 1 का, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन हमारा है 3 का पार्ट 2, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो 3 के पार्ट 2 में पूछा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कम से कम 3 लड़कियाँ होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 केस बनते हैं, केस 1 है जब उसमें हम 3 गर्ल्स को ही लेंगे और 4 बॉयज़ को लेंगे, 3 गर्ल्स लेंगे और 4 बॉयज़ लेंगे, और केस 2 आपका बनता है जब आप 4 गर्ल्स लोगे और 3 बॉयज़ लोगे, ठीक है। तो 2 हमारे अलग अलग केस है ना, तो हमने पहला केस लिया जिसमें हम 3 लड़कियां ले रहे हैं और 4 लड़के ले रहे हैं, दूसरे में हमने 4 लड़कियों को लिया और 3 लड़कों को ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा प्रोसेस बनेगा, जो पहला पार्ट हमारा है, पहले पार्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग
थ्री गर्ल्स क्या हो जाएगा, तो 4C3 एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 बॉयज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 9 में से लेना है तो 9C4, तो टोटल नंबर ऑफ, सो क्या बोलता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ कमिटी फॉर्म, नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4C3 into 9C4। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मिला था 504। यानी 504 तरीके से आप 3 लड़कियों का और 4 बच्चों का कमेटी बना सकते हो। अब सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या बोला है आपसे, तो मैंने आपको बता रखा है कि सेकेंड में हम 4 गर्ल्स को लेंगे और 3 बॉयज़ को लेंगे, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फोर गर्ल्स तो क्या हो जाएगा, तो 4C4 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री बॉयज़ आउट ऑफ नाइन तो क्या हो जाएगा, 9C3। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज तो क्या हो जाएंगे, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 4C4 into 9C3। तो सेकंड केस में क्या बनेगा, तो 4 factorial by 4 minus 4 factorial divided by 4 factorial into 9 factorial upon 9 minus 3 factorial divided by 3 factorial। थोड़ा सा मैं इसको साइड में लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, तो 4 factorial by 4 minus 4 factorial divided by 4 factorial into 9 factorial by 9 minus 3 factorial divided by 3 factorial। तो हमें क्या मिला, 4 factorial by 0 factorial into 4 factorial into 9 factorial by 6 factorial into 3 factorial। तो आपको सिंप्लीफाई करने पे ये क्या मिल जाएगा, तो ये तो आपका हो गया 1 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial into 3 into 2 into 1। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 4 टाइम्स में हो गया, तो हमें क्या मिला, तो 1 into 3 into 4 into 7, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ गए 84। ठीक है, तो केस वन में आपको मिला, केस वन जो हमारा था इसमें हमें मिला टोटल सेलेक्शन 504। ठीक है, एंड केस बी में हमें मिला टोटल सेलेक्शन 84। हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो 504 plus 84। तो हमें टोटल आंसर क्या मिलेगा, तो 588। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन रहा, इसका आंसर क्या आएगा, तो 588। ठीक है, देन अब अगला केस हमारा है 3 का पार्ट 3, एटमोस्ट थ्री गर्ल्स। इसका मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम 3 होने चाहिए, 3 से कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये थोड़ा सा लंबा होगा, इसमें आपको 3 केस बनाने पड़ेंगे। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है कि जो हमारा पहला केस बनेगा कि 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। ठीक है, दूसरा केस हमारा क्या बन सकता है कि 2 गर्ल्स 5 बॉयज। ठीक है, थर्ड केस क्या बन सकता है आपका, 1 गर्ल 6 बॉयज। फोर्थ केस क्या बन सकता है, नो गर्ल्स जीरो गर्ल्स सेवन बॉयज़। ठीक है, तो हाँ टोटल 4 केस बनेंगे, एक भी लड़की मतलब सिर्फ लड़कों का ही कमेटी बना दो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पहला केस हमारा है नंबर ऑफ वेज। ठीक है, पहला जो हमारा कमेटी बन रहा है ना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको ज़्यादा लंबा लिखें तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला केस जो हमारा है कि 3 गर्ल्स होंगी एंड 4 बॉयज़ होंगे, तो 3 गर्ल्स एंड
फोर बॉयज कैन बी सेलेक्टेड इन ठीक है, क्या हो जाएगा इसका टोटल चांस, कैन बी सेलेक्टेड इन, देखो तीन गर्ल्स को लेना है किसमें से, फोर में से, तो इनका क्या हो जाएगा 4C3 × 4 बॉयज़ को लेना है टोटल कितने में से, 9 में से, तो 9C4 ways 4C3 × 9C4 ways ठीक है। दूसरा केस जो हमारा है, दूसरा केस क्या है कि टू गर्ल एंड 5 boys कैन बी सेलेक्टेड इन, देखो अब सबको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, कैन बी सेलेक्टेड इन 4C2 × 9C5 ways ठीक है। मैंने चार लड़कियों में से दो लड़कियों को सेलेक्ट किया और नौ लड़कों में से पांच लड़कों को सेलेक्ट किया। थर्ड केस आपका है कि 1 girl and 6 boys कैन बी सेलेक्टेड इन 4C1 and 9C6 ways ठीक है। एंड फोर्थ केस आपका है कि जीरो गर्ल्स एंड सेवन बॉय कैन बी सेलेक्टेड इन, या फिर सीधा लिखो ना कि सेवन बॉयज कैन बी सेलेक्टेड इन 9C7 ways तो ये चार केस आपके बनेंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ, हिसाब से क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे अगर आप देखते हो तो, चारों का सम 4C3 × 9C4 + 4C2 × 9C5 + 4C1 × 9C6 + 9C7 इन चारों का हम आपस में सम कर देंगे। तो देखो पहला वाला तो हम लोग ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो पहले वाले का हमें क्या मिला था, पहले वाले का हमें मिला था 504 प्लस, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो 4 × 4 − 2 × 9 − 5 × 5 तो हमें क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे कि 4 × 2 × 9 × 5 तो अगर हम लोग पहले इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 4 × 3 × 2 × 2 × 1 तो ये तो आपका कट गया, 2 से 2 कट गया, तो पहले वाले का तो हमें मिल गया 6, पहले वाले का हमें मिल गया 6, तो इसका तो हमें मिल गया 6 × 6 अब इसको हम लोग करते हैं तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 इसे कट गया 4 से 2 times में 2 से आपका 2 कट गया, 3 से 3 times में कट गया, यानी हमें क्या मिल गया अगर देखेंगे आप तो 3 × 7 × 8 यानी 21 सिक्सा तो अगर हम देखते हैं तो हमें मिलेगा 21 × 6 हमें करना है ना, तो आप एक बार मल्टीप्लाई करें 21 सिक्स हमें क्या मिल जाएगा कि 21 सिक्स हमें क्या मिलेगा अगर आप देखेंगे तो 126 तो जब इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना 126 को तो आपको मिलता है 756 इनको आप मल्टीप्लाई करना क्या आएगा 756 तो दूसरा वाले का आ गया हमारे पास 756 अब अगला आपके पास पेयर ये है तो 4C1 अगर हम लोग उसको सॉल्व करें, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि जगह बन जाए सॉल्व करने का ठीक है, तो हमारे पास है 4C1 यानी 4 × 3 × 1 × 9C6 तो 9 × 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 × 6
यानी 4 × 3 × 3 × 9 × 8 × 7 × 6 × 3 × 2 × 6 तो ये आपका इससे कट गया, 3 से आपका ये 3 टाइम्स में गया, 2 से आपका ये 4 टाइम्स में गया, ठीक है। यानी 4 × 3 = 12, 12 × 7 = 84, 84 × 4 कितना में मिल गया, तो ये आपको मिल जा रहा है। तीसरे पेयर का आपको क्या मिल गया, तीसरे पेयर में आपको मिल गया 336। बगला आपका है 9c7, तो 9c7 को आप सॉल्व करेंगे तो 9 × 9 से 7 माइनस करेंगे 2 × 7, तो 9 × 8 × 7 × 2 × 1 × 7, तो ये आपका कट गया 2 से ये 4 टाइम्स में, 9 × 4 = 36, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, इन चारों का सम, तो जब चारों को आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1632। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन आप बच्चों को काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर अच्छे समझ में आया है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, उसके पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया है, इफ़ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ठीक है। यानी डिक्शनरी में जो आप देखते होंगे, जब आप बच्चे ने कभी आपने डिक्शनरी ओपन किया होगा, जब भी आपने डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग चेक किया होगा, तो देखो उसमें क्या होता है कि सीक्वेंस में आता है, पहले ए के सारे वर्ड्स आएंगे, फिर बी के आएंगे, फिर ई के आएंगे, और जो वर्ड्स होते हैं उनको भी काफ़ी सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, इस टाइप के, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि जब एग्जामिनेशन का जो हमारा एग्जामिनेशन वर्ड है, इसके लेटर्स को जब हम डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इनसे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, और कितने ऐसे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे जो ई से पहले होंगे। यानी जब आप मानो आपने अरेंजमेंट शुरू किया तो पहले ए से अरेंजमेंट स्टार्ट करोगे, अब ए के बाद से ई आएगा, तो हमसे पूछा गया कि कितने ऐसे अरेंजमेंट्स हैं ई के आने से पहले, जब इसको आप डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, ई आपका जब पहला वर्ड हो उसके पहले कितने ऐसे वर्ड पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं, और आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन में टोटल कितने लेटर्स हैं, तो टोटल लेटर्स आपके हैं 11, टोटल लेटर्स कितने हैं 11 हैं, जिसमें ए आई और एन ये कितने बार रिपीट किए हैं, तो 2 बार रिपीट किए हैं हर एक, ये दोनों लेटर्स हमारे तीनों लेटर्स 2-2 बार रिपीट किए हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके 11 हैं, तो ई से पहले आने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इस वर्ड में एक ही लेटर है जो कि ए है, और हमें पता करना है कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं इस इनके अरेंजमेंट में, इनके परमुटेशन में, जब इनको हम डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो ई से पहले आते हैं। तो ई से पहले कौन, ई से पहले वही वर्ड आएंगे जिसमें ए पहले पोजीशन पे होगा, जहाँ पे हम ए को पहले पे फिक्स कर रहे हैं, बाकी सबको इधर अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि ए के बाद से जस्ट कोई नंबर ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो ए के बाद से पढ़ेगा, ए के बाद सीधा क्या पढ़ने वाला है, ई पढ़ने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या परमुटेशन पता करना है कि जब ए हमारा पहले पोजीशन पे होगा तो टोटल कितने ऐसे हमारे परमुटेशंस बनेंगे, टोटल कितने हमारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे ए हमारा पहले पोजीशन पे होगा। ए कहाँ पे होगा, तो पहले पोजीशन पे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ए को फिक्स कर देते हैं, कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे वर्ड्स स्टार्ट होंगे उसमें ए हमारा हरदम पहले पोजीशन पे है। तो अगर हम ए को फिक्स कर देंगे, अगर हम लोग ए को फिक्स कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टोटल हम ए को फिक्स कर लेते हैं कि ए हमारा हरदम पहले नंबर पे आएगा ही आएगा, तो हमारा ए तो फिक्स हो चुका है कि ए हमारा हरदम स्टार्टिंग में आएगा। तो हमने, हमारे पास 2 ए हैं, हमने एक ए को फिक्स कर दिया। अब आपके पास क्या बचे, टोटल 10 लेटर्स, टोटल 10, 11 थे, हमने ए को पहले पोजीशन में फिक्स किया, हमारे पास बचे हैं 10। अब अगर हम इन 10ों का अरेंजमेंट्स फाइंड कर लें कि इन 10ों के कितने अरेंजमेंट्स आ रहे हैं, तो हम ये इजीली पता कर पाएंगे कि कितने ऐसे लेटर्स हैं, कितने ऐसे वर्ड्स हैं सॉरी, जो ई से पहले वाले हैं, हम इजीली पता कर लेंगे। तो हम क्या करें कि एक हमने पोजीशन फिक्स कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग लेटर्स आर 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 लेटर्स
इन विच टी एंड एन अपीयर्स टू टाइम्स, अपीयर्स टू टाइम्स, ठीक है। तो अगर आपने हमारा 6.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी अरेंजमेंट्स में कोई भी लेटर दो बार, कोई भी ऑब्जेक्ट दो बार रिपीट होता है, तीन बार रिपीट होता है, पांच बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट से डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 10 लेटर्स को अरेंज करने का अपने पास 10 फैक्टोरियल वे है, लेकिन इसमें टी और एन दो बार रिपीट कर रहा है ना। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर ए भी हमारा दो बार था। देखो ए को हमने ऑलरेडी एक बार फिक्स कर लिया है, ए का पोजीशन हमने ऑलरेडी पहले पे फिक्स कर दिया है, एक ए को हमने फिक्स किया है, हमारे पास सिंगल ए बचा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें ए को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम 10 लेटर्स को 10 फैक्टोरियल वेज में लिख सकते हैं, और टी को हम, टी हमारा दो बार इसलिए हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और एन भी हमारा दो बार है इसलिए हम लोग 2 फैक्टोरियल से दोबारा डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जिन, जो हमारे ई से पहले हैं इन द सीक्वेंस ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हो तो हमें क्या मिलता है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 2 तो एक तो आपका ये कट गया, ये 2 से आपका जो ये 4 था ये 2 टाइम्स में कट गया। अब आप जब सबको मल्टीप्लाई करते हो ना, आप मल्टीप्लाई करके चेक करना, आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है 907200। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं वीडियो आप सभी बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बताए जाएंगे। थैंक यू। देखो दोबारा मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब आप डिक्शनरी के सीक्वेंस में वर्ड्स को अरेंज कर रहे हो तो ई आने से पहले कितने ऐसे वर्ड्स फॉर्म होंगे। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने एक ए का पोजीशन फिक्स किया, तो हमारे पास 11 थे तो 10 लेटर बचे। अब उन 10 का हमने अरेंजमेंट्स काउंट कर लिया, ठीक है। थैंक यू।